Vardhaman Academy, an English medium co-educational senior secondary school, classes from nursery to 12th, smart classrooms, Wi-Fi computer lab, advanced maths and science labs, well-stocked library, best environment for games, yoga and music. Vardhaman Academy, Railway Road, Meerut. देवरिया के फतेहपुर में सत्यप्रकाश दुबे समेत 5 लोगों की निर्मम हत्या तूल पकड़ चुकी है। आज 5 लोगों की तहरवी में मौजूद गमजदा लोगों में हत्यारों के प्रति आक्रोश साफ नजर आया। पूर्व दर्जा प्राप्त मंत्री सुनील भराला ने आज तहरवी कार्यक्रम में भाग लेकर पीड़ित परिजनों को सरकार की तरफ से हर संभव मदद का आश्वासन दिया। इस मौके पर पूर्व मंत्री सुनील भराला ने कहा कि सपा मुखिया अखिलेश यादव को जातीय राजनीति से ऊपर उठकर आरोपियों की गिरफ्तारी में बाधा नहीं बनना चाहिए। जिस प्रेमचंद यादव की हत्या की घटना के बाद 5 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया, उससे किसने मारा अभी इसका भी खुलासा नहीं हुआ, अभी इसका भी खुलासा होना बाकी है। दरअसल 2 अक्टूबर की सुबह लेहड़ा टोले में दबंग प्रेमचंद यादव की हत्या कर दी गई थी। इसके प्रतिशोध में प्रेमचंद के कारोबारियों ने सत्यप्रकाश दुबे, उनकी पत्नी, 2 बेटियों व 1 बेटे की हत्या कर दी। सामूहिक नरसंहार के दौरान गंभीर रूप से घायल सत्यप्रकाश दुबे के बेटे अनमोल का अभी BRD मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में इलाज चल रहा है। आज सत्यप्रकाश दुबे व 4 अन्य परिजनों की गांव में तहरवी थी, इसमें भाग लेने पूर्व मंत्री सुनील भराला पहुंचे। देखिए इससे भी बढ़ के हो गया 1000 गौ हत्या एक बार। इससे गरीब कोई तो पहले इनकी स्थिति आप देख ही सकते हैं कि जिस घर में दरवाजा तक ना हो वो कैसे रहते हैं और किसी पे वो हमला कैसे कर सकते हैं। ये यादव नहीं, वही टोटल यही मकान है सर। आप खुद देखिए कि ये जो इनकी जर्जर भवन है, ना दरवाजा है ना कुछ है, वो किसी के ऊपर हाथ कैसे उठा सकते हैं। इसी में 7 परिवार रहते हैं, 7 लोग, 3 लड़कियां, माँ बाप, 2 भाई। पंचायत की मकान यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पे है। जिस जमीन का वो बात कर रहे हैं कि जमीन हम अपनी देखने आए, जो जमीन को जबरदस्ती उनकी जमीन को जो वो हो रहे थे, वो जमीन उस सड़क के उस पार कोई भी परिवार किसी की हत्या करने के बाद अपने घर में आराम से बैठा नहीं रहे। जो इन लोगों का आरोप है उस हिसाब से ये नहीं लग रहा है कि कोई बैठा दूसरे गाड़िया भेज अरे भैया आपकी गाड़ी मेरी गाड़ी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट.टीवी।